हल्के खुदा की जबान के ऊपर ये बात है कि जब पीटीआई के रूह रवां, जब पीटीआई के शहंशाह अपनी प्राइवेट महफिलों में बैठते हैं, तो जब उनके सामने पंजाब की छोटी मोटी करप्शन की बात होती है तो वो कहते हैं छोटी मोटी करप्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी करप्शन होए पड़ी। जनाब स्पीकर, छोटी मोटी करप्शन आपको पता क्या होती है? छोटी मोटी करप्शन होती है एसएचओ से के ट्रांसफर पे पैसे लेना, छोटी मोटी करप्शन होती है असिस्टेंट कमिश्नर को पैसे लेके लगाना, डीसी को लगाना, सेक्रेटरी को लगाना। आपको पता है जनाब स्पीकर, इस छोटी मोटी करप्शन का जो पैसे दिए बैठा होता है अपने ट्रांसफर के लिए, उस किसको खमियाजा भुगतना पड़ता है? जिस इलाके में वो पोस्ट होता है वहां के लोगों से वो पैसे नचोड़ता है, वो अपनी अपने पहले वो इन्वेस्टमेंट पूरी करता है और फिर अपने लिए पैसा बनाता है। तो छोटी मोटी करप्शन की जो बातें हैं जो इग्नोर की जा रही हैं और बड़े बड़े रिंग रोड के स्कैंडल्स भी सामने हो रहे हैं, इस छोटी मोटी करप्शन का हालात हम डेरा गाजी खान और राजनपुर वालों से पूछो। जो रेलवे की महकमे में जब चीजें बिक्री होती है तो राजनपुर के एमएनए गयूर एमएनए उठ के चीखे मारते हैं उसके खिलाफ। जब एसएचओज 22 22 एक एक छोटी जेरीन के तब्दील हो रहे होते हैं और वहां हर पर्चे के पीछे पैसे लिए जा रहे होते हैं वजीराला के जिले में, तब हमारे लोगों से आके पूछो कि छोटी मोटी करप्शन का क्या असर है? जब पटवारियों के जॉब्स के पैसे लिए जा चुके होते हैं अफसरों से और उसके ऊपर स्टे लग जाते हैं, तब गरीब लोग कहते हैं जो पैसे हमने दिए उसका वापस हमें दो। तो छोटी मोटी करप्शन के ये हालात हैं जनाब स्पीकर।